सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेंद्र। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, 2021 में IRCTC अपडेट हो चुका है और ट्रेन टिकट बुकिंग में काफ़ी सारे प्रोसेस को चेंज कर दिया गया है। तो मैंने ऑलरेडी इससे पहले वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से किस प्रकार आप कन्फर्म टिकट बुक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक स्विगो ऐप से आप कन्फर्म टिकट किस प्रकार आप बुक कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आप लोगों को करना क्या है, सिंपल प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है IXIGO। इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 50 मिलियंस डाउनलोड है ये एप्लीकेशन। इसके बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट में आपको IRCTC ट्रेन, सेकेंड में आपको फ्लाइट, थर्ड में आपको बस, फोर्थ में कैब, इसके बाद फाइव नंबर में होटल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको ट्रेन टिकट बुक करना है तो सिंपल आपको करना क्या है, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख भी सकते हैं काफ़ी सारे फीचर्स दिया गया है। डायरेक्ट आप ट्रेन रनिंग स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और PNR स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल में हमें यहाँ पर ट्रेन टिकट बुक करना है, तो सिंपल मैं IRCTC ट्रेन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फॉर्म स्टेशन सेलेक्ट करना है, तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं न्यू दिल्ली सेलेक्ट करना है, तो मैं न्यू दिल्ली ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुका हूँ। अब तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। टू स्टेशन में हमें मुजफ्फरपुर जाना है, तो मुजफ्फरपुर मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है, तो सिंपल आप यहाँ से डेट ऑफ जर्नी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहां से नॉर्मल टिकट या फिर तत्काल टिकट भी बुक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बताता हूं किस प्रकार आपको बुक करना है। इसके बाद सिंपल आपको ट्रेन सर्च पे क्लिक कर देना है। ट्रेन सर्च पे क्लिक करेंगे तो इस डेट में जितने भी ट्रेन होंगे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेन देखने को मिल गया है। फर्स्ट में आपको दरभंगा हमसफर है, सेकेंड में स्वतंत्रता सेनानी स्पेशल है, थर्ड में बिहार संपर्क क्रांति है, इसके बाद फोर्थ नंबर पे वैशाली है, इसके बाद फाइव नंबर पे देख सकते हैं नई दिल्ली सहरसा स्पेशल है। तो इस तरह से आपको देख लेना है कौन सी ट्रेन में आपको टिकट बुक करना है। जिस ट्रेन में आपको अवेलेबल होगा वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल में हमें बिहार संपर्क क्रांति में टिकट बुक करना है, स्लीपर क्लास में, तो मैं स्लीपर देखता हूँ। लेकिन आप देखे होंगे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में स्टार्टिंग में आपको 2S होता है, इसके बाद स्लीपर होता है, इसके बाद थर्ड AC, सेकेंड AC, इसके बाद फर्स्ट AC होता है। लेकिन यहाँ पर आपको सेकेंड 2S लेकिन यहाँ पर 2S पहले दिया गया, इसके बाद सेकेंड AC, इसके बाद फर्स्ट AC, इसके बाद थर्ड AC, इसके बाद स्लीपर दिया गया है। तो हमें स्लीपर में बुकिंग करना था, सिंपल मैं स्लीपर पे क्लिक करूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है नीचे की तरफ 17, 18, 19, 20, 21, 22 के डेट में आपको कितने कितने वेटिंग चल रहा है और कितना परसेंट आपको चांसेस है टिकट कंफर्म होने का भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इस एप्लीकेशन से यदि आप टिकट बुक करते हैं तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट होने वाले हैं। इसके बाद सिंपल हमें बुक पे क्लिक करेंगे। बुक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पैसेंजर डिटेल फिल करना है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे पैसेंजर डिटेल फिल कर देता हूँ। सोनू एज डालना है तो एज मैं आपको 20 कर दिया हूँ। इसके बाद मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, इसके बाद यहाँ पे बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ देख सकते हैं, नीचे की तरफ आपको एड ट्रेवल का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपल आपको क्लिक करना है। तो मैं फटाफट यहाँ पर सबसे पहले एक और नाम फिल कर लेता हूँ। इसके बाद एज भी हमें फिल करना है तो एज भी मैंने फिल कर लिया हूँ। बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद फिर से हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद सिंपल आपको फिर से हमें दे सकते हैं, दो नाम यहाँ पर मैंने ऐड कर चुका है। इसके बाद प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, तो आप जिस IRCTC पे जब अकाउंट बनाएंगे तो वो अकाउंट आपको यहाँ पे टाइप करना है, तो मैं फ़िलहाल में टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो देख सकते हैं पैसेंजर डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद सिंपल आपको करना क्या है, इंश्योरेंस आपको सेलेक्ट करना है तो इंश्योरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर टाइप करना है तो मोबाइल नंबर फटाफट टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे पैसेंजर डिटेल, इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एरिया पिन कोड डालने हैं, तो जहाँ पे आपको जाना है तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एड्रेस में आपको फिलहाल में मैं यहाँ दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हमें लग रहा है लगभग यहाँ पर फॉर्म मेरा फिल हो चुका है। इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं, इसके बाद प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वेटिंग जो यहाँ पे 29 वेटिंग चल रहा है। इसके बाद मैं फॉर्म फिल कर चुका हूँ। इसके बाद प्रोसेस टू पे पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, UPI, इससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपको ऑप्शन है उसे पेमेंट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो यूज करता हूँ मैं पेटीएम से यूज करता हूँ, तो पेटीएम यूज करना, तो नेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं। यदि आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे पेटीएम यूज करना है, क्योंकि पेटीएम पे
पेटीएम से यदि पेमेंट करते हैं तो आपको OTP काफ़ी तेज और काफ़ी फास्ट आता है, या फिर आप SBI नेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पेमेंट करेंगे तो आप कर सकते हैं। आपको सिंपल मैंने SBI नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लिया हूँ, तो यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड फिल करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएंगे, OTP आपको फिल कर देना है। जैसे ही OTP फिल करेंगे तो आपका टिकट बुक हो जाएंगे।